दोस्तों हम कल्पेश्वर मंदिर पहुंच चुके हैं। इस तरफ से 300 मीटर आगे मंदिर है और ये हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पे पार्किंग एरिया है और आप सामने देख सकते हैं बहुत ही सुंदर वाटरफॉल। अभी पेट्रोल ख़त्म हो गया था और हम रिफ़िल करवाने के लिए रुके हैं, पेट्रोल टैंक फुल करवा रहे हैं अभी। और अभी हम हैं जोशीमठ में और यहाँ से कल्पेश्वर जी जो पंच केदार में आते हैं वहाँ के दर्शन करने का भी हमारा इरादा है। यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे है और लगभग 1.5-2 घंटे का टाइम हमें और लगेगा। अभी वहाँ से दिखाते हैं। बंदरों का झुंड जिसको इंग्लिश में मंकी झुंड बोलते हैं। ये देखिए ये बहुत ही अद्भुत बंदर लग रहे हैं। एक हमारे पीछे भी बैठा है भाई। दोस्तों अब हम यहाँ से जा रहे हैं कल्पेश्वर जी के लिए और ये देखिए कितना सकरा रास्ता है और कितना खतरनाक रास्ता है। नीचे से देखिए नदी बह रही है। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत गांव है और नज़ारा देखिए, सीढ़ीनुमा खेत बहुत ही बेहतरीन। ये देखिए दोस्तों, देखिए कितना नेचुरल व्यू है। गाय माता चरती हुई दोस्तों, कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए कितनी बेहतरीन खेती है यहाँ पे, रंग बिरंगी, और पीछे पहाड़ का व्यू इतना जबरदस्त है कि देखते ही बनता है। और सामने का जो गांव आप देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन नज़ारा दोस्तों, इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। आपको चारों तरफ का मैं दिखाता हूँ। दोस्तों हम कल्पेश्वर मंदिर पहुंच चुके हैं। इस तरफ से 300 मीटर आगे मंदिर है और ये हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पे पार्किंग एरिया है और आप सामने देख सकते हैं बहुत ही सुंदर वाटरफॉल। दोस्तों देखो कितना विकेट फॉल है, बहुत ही शानदार वाटरफॉल। और ये रास्ता कल्पेश्वर मंदिर जी का, इसके लिए पुल बनाया गया है। बहुत ही सुंदर, ये देखिए वाटरफॉल। ये देखिए दोस्तों मंदिर और ये विकास जी और सारे दोस्त जाते हुए ऊपर की तरफ। और इस तरफ आपका भाई नॉट कमिंग स्लो, मैं भी ऊपर जाता हुआ। और पार्किंग एरिया से लगभग 400-500 मीटर ऊपर आने के बाद ये देखिए हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। गंगा जल, हाँ ये गंगा जल है।
ढक दीजिए अभी हम श्री कल्पेश्वर महादेव जी से दर्शन करके निकले हैं। विकास जी कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत ही बेहतरीन अनुभव रहा और पंडित जी ने हमें रुद्राक्ष दिए। ये पंचमुखी असली रुद्राक्ष है, बहुत ही शक्तिशाली रुद्राक्ष होते हैं। मैंने ऑलरेडी एक धारण किया हुआ है। जय श्री महाकालेश्वर। जय श्री महाकालेश्वर। हम मंदिर में खड़े खड़े सोच रहे थे कि हमें कहीं से अगर रुद्राक्ष मिल जाए तो हम धारण कर लें, और भगवान भोलेनाथ ने खुद अपनी कृपा बरसाई। इस भाई के मुख से जो मेरी डिमांड थी वो पूरी हुई है। मैं बहुत ही मतलब इतना अनंत भाग्यशाली अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि मैं बता नहीं सकता आपको। आंखों में आंसू आ गए थे मेरी। बहुत ही शानदार अनुभव। हर हर महादेव। जय श्री महाकालेश्वर। जय भोलेनाथ। जय श्री कल्पेश्वर महादेव।